हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही खास रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, तो चलिए हम बनाते हैं भिंडी की इस रेसिपी को। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम से 300 ग्राम भिंडी। इसे हमें अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेना है और इसके साइड को हमें कट कर लेना है। भिंडी को हमें इस तरीके से कट करना है। पहले मैं इसका साइड कट करूँगी, उसके बाद फिर हमें इसे 2 टुकड़े में कर लेना है, क्योंकि हमारी भिंडी लंबी है। अगर आपकी भिंडी छोटी है तो सिर्फ साइड कट करके इसी तरीके से इसे 4 टुकड़े करके काट लें। भिंडी को हमें इसी तरीके से सारे भिंडी को कट कर लेना है। अगर आप इस रेसिपी को पूरा देखेंगे तो आप इसे बनाए बिना नहीं रह सकेंगे। एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, हमारे पूरी वीडियो को देखें। तो भिंडी को मैंने काट लिया है। यहाँ मैंने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ मैंने बेसन में 3 चम्मच बेसन लिया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। ये हमारी भिंडी थोड़ी सूखी सूखी लग रही है, तो मैं इसमें 3-4 टेबल स्पून पानी मिला लूँगी। पानी मिलाने के बाद हमें अच्छी तरह से सारे भिंडी को मिलाना है, तब इसमें हमारा सारा मसाला अच्छी तरीके से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ मैंने लास्ट टाइम पर मिलाया है थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। भिंडी को मैंने 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। गैस पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। मैं फिर से छानने के पहले भिंडी को अच्छी तरह से मिला लूँगी, जिससे कि हमारे सारे भिंडी में मसाला अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ हमारा फ्लेम पहले हाई था, अब मैं इसे मीडियम कर दी हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। जब इस तरीके से मैं भिंडी को फ्राई करूँगी तो हमारी भिंडी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और इसको बनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें। ये चावल, रोटी या फिर आप इस तरीके से भी इसे खा सकते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।